हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज करंट अफेयर्स रिलेटेड टू हायर एजुकेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 31। और आज के टॉपिक्स हैं आपके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस एक्सपर्ट कमिटी, युक्ति पोर्टल, भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस एक्सपर्ट कमिटी। अप्रैल 12 को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दैट इज़ UGC ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी और बुलाई थी, और इन्होंने पूछा था, UGC ने ये क्वेश्चन किया था कि किस तरीके से जो ई रिसोर्सेज हैं या फिर जो हमारे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है उसको और किस तरीके से हम इन्हांस कर सकते हैं। तो इस कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि सारे जितने भी हमारे पास ई रिसोर्स हैं उसको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए हमें, और इसके थ्रू हम जो हमारा ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है उसको और ज़्यादा बेटर कर पाएंगे, और इससे जो स्टूडेंट्स हैं जो घर के अंदर हैं इस वक्त लॉकडाउन सिचुएशन में, वो भी पढ़ाई में बेटर हो पाएंगे, उनको भी एक अकेला ऐसा सिंगल प्लेटफॉर्म है वो मिल पाएगा। तो इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स भी ऐसे लॉन्च किए हैं जिसके थ्रू वो सजेशंस ले रही है लोगों से, और आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं आप लोग किसी भी ई लर्निंग सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर आपके ई लर्निंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे। और इसी के साथ साथ गवर्नमेंट ने भारत पढ़े ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया था इसी वजह से, ताकि लोग अपने जो आइडियाज़ हैं वो शेयर कर सकें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एकेडमिक एक्सपर्ट्स को। इसके साथ साथ जो ये जो प्लेटफॉर्म होगा, जो कमिटी बोली है, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो प्लेटफॉर्म होगा ये टीचर्स को प्लस स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और क्वालिटी टाइम वो स्पेंड कर सकते हैं वाइल इम्प्रूविंग देयर नॉलेज। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं युक्ति पोर्टल। तो आज के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्लस उसके साथ साथ आप वीडियो को पॉज करके भी स्लाइड को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे वर्ड टू वर्ड नहीं बता रही हूँ। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्लाइड्स में जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है उसको आप रीड भी कर सकते हैं। तो युक्ति पोर्टल की अगर हम बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है युक्ति। युक्ति है आपका यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, युक्ति का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट मी हाईलाइट दिस। तो ये है आपका, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका, यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये पोर्टल करेगा क्या, ये पोर्टल रिकॉर्ड करेगा, कवर करेगा और मॉनिटर करेगा जो भी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी कर रही है या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स लॉन्च करते हैं। तो इसका जो मेन एम है इस पोर्टल का, वो है कि एक टू वे कम्युनिकेशन बनाना, एक टू वे कम्युनिकेशन लिंक बनाना बिटवीन इंस्टीट्यूशंस एंड द मिनिस्ट्री, मतलब MHRD के साथ साथ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके दोनों के बीच में एक लिंक बनाना, ताकि दोनों के बीच में टू वे कम्युनिकेशन हो पाए। अब नेक्स्ट इसके बारे में और अगर हम डिस्कस करें तो ये है कि ये प्लेटफॉर्म आपको इंस्टीट्यूशंस को बेसिकली हेल्प करेगा ताकि वो अपनी नॉलेज के थ्रू जो भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं उसको एनकाउंटर कर पाए। उसके साथ साथ सोशल इनिशिएटिव्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनको लॉन्च किया गया है जिसके थ्रू स्टूडेंट्स की बेटरमेंट हो सकती है, और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स होंगे जो कि इस पोर्टल में कवर होंगे। एंड इसके अलावा ये मॉनिटर मिनिस्ट्री जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी उसको मॉनिटर भी करेगी अपकमिंग 6 मंथ से, उससे पता चलेगा कि कितना ज़्यादा डेवलपमेंट, कितना ज़्यादा बेटरमेंट हो पा रहा है। एंड इस ये जो प्लेटफॉर्म है इसके थ्रू आप रिसर्च अपडेट्स भी ले सकते हैं, और ये सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के लिए, मतलब जो भी रिसर्च में काम कर रहा है वो भी वहाँ से अपडेट्स ले सकता है। ये भी इस फील्ड में भी ये प्लेटफॉर्म आपको हेल्प करेगा, युक्ति प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन के बारे में। तो एक नई कैंपेन है, एक 1 वीक लॉन्ग कैंपेन थी जिसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऑनलाइन, मतलब ये कैंपेन इसलिए थी ताकि हम ऑनलाइन एजुकेशन को और ज्यादा इंप्रूव कर पाए। तो इन्होंने बोला कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको इनवाइट किया गया और उनको बोला गया कि आप अपनी नॉलेज को शेयर करिए, और जो भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं किस तरीके से हम इसको बेटर कर सकते हैं, सॉल्यूशंस को आप शेयर करिए और बताइए। तो इन्होंने स्पेशली इस चीज़ को ध्यान में रखा कि जो भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो हमारे हिंड्रेंसेस है जो डिजिटल एजुकेशन में आती है, उसको किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं, और उसके साथ साथ किस तरीके से हम इसको और ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग को। तो यहाँ पर इस कैंपेन में मेन टारगेट्स आपके स्टूडेंट्स एंड टीचर्स थे,
और इन्होंने बहुत सारे ऐसे सेवरल इनिशिएटिव्स हैं जिनके थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा है, बट इसको बेसिकली इसलिए लॉन्च किया गया इस कंपेन को ताकि जो डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी नॉलेज को शेयर कर सके ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द लॉकडाउन। तो ये आज के टॉपिक्स थे, आई होप सारे टॉपिक्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।